दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मीशो से कोई ऑर्डर किए हो और वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। मेरा कहने का मतलब भाई ये है कि जो ऑर्डर आपको 4 से 5 दिन में मिल जाना चाहिए वो ऑर्डर आपको 10 या 12 दिन या 13 दिन या 15 दिन में मिल रहा है, मतलब ऑर्डर डिले हो चुका है। अभी क्या कर सकते हो, कौन सा आप सोल्यूशन है उसका, बहुत आसान ट्रिक बताऊँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। देखो भाई कुछ सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा और उन ट्रिक को फॉलो कीजिए जिससे आपका ऑर्डर काफ़ी जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम से भी आपको कैसे ऑर्डर करना है ताकि आपका ऑर्डर जल्दी आएगा, डिले नहीं होगा, ठीक है ना। देखो मैं मीशो पर हूँ, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, नीचे आएंगे यहाँ पर, देखो हम जाएंगे ऑर्डर वाले सेक्शन पर और यहाँ पर जाने के बाद मैंने एक ऑर्डर किया है अभी भाई, ये मैंने ऑर्डर अभी प्रेजेंट पर किया है, ठीक है ना, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है ना। देखो ये ऑर्डर जैसे भाई मैंने किया अभी 21 नवंबर का ऑर्डर किया, अभी ऑर्डर अगर जल्दी शिफ्ट हो जाता है तो मतलब मेरे को ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भाई क्या होता है कि जो ऑर्डर आपने अभी किया, अभी ऑर्डर शिफ्ट होने में 3-4 दिन लगता है अगर, तो समझ जाइए कि यार अभी तक लॉजिस्टिक पास ऑर्डर पहुंचा नहीं है। अभी क्या है ना कि अगर लॉजिस्टिक पास ऑर्डर पहुंच जाता तो मतलब शिफ्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर डन हो जाता। अब शिफ्ट ही ऑर्डर जब नहीं होता है, जब लॉजिस्टिक पास ऑर्डर पहुंचा नहीं, सेलर ने दिया नहीं, तो ऑर्डर तो और भी लेट आएगा ना। अगर आपका ऑर्डर एक दिन में शिफ्ट हो जाता है तो आपका ऑर्डर जो आने में है वो 4 से 5 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऑर्डर शिफ्ट जल्दी नहीं होता तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये शिफ्ट पर होता है। अभी भाई देखो अगर आपका ऑर्डर शिफ्ट भी हो चुका है और डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो भाई सबसे पहले आपको कॉल करना है कस्टमर केयर में, ठीक है ना। अभी वहाँ पर कॉल करने के बाद उन्हें बताइए कि सर देखो यार जो मेरा ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, मुझे ऑर्डर जल्दी चाहिए क्योंकि मैं बाहर जाने वाला हूँ या कुछ भी करने वाला हूँ, या आप सेलर को बताइए फिर कुरियर पार्टनर को फीडबैक भेजिए। अभी अगर इससे कॉल करने के बाद भी सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप ये देखिए कि जो आपका ऑर्डर है वो शिफ्ट जो हो चुका है वो कहाँ से आ रहा है, ये डिलीवरी वाले से आ रहा है या ईकॉम एक्सप्रेस से आ रहा है। अगर ईकॉम एक्सप्रेस से आ रहा है तो ईकॉम एक्सप्रेस का वेबसाइट खोलिए गूगल पर और उनके कस्टमर केयर जाके कॉल कीजिए, क्योंकि उनके पास ऑर्डर पहुंच चुका है। उन्हें कॉल करोगे, अपना ऑर्डर नंबर बताओगे तो आपका ऑर्डर बता देंगे कि अभी आपका ऑर्डर प्रेजेंट में कहाँ है और कितने दिन में भी आपका और लगेगा पहुँचने में या कितना समय लग सकता है, ठीक है। भाई देखो मैं और बेहतर आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे भाई देखो एक ऑर्डर है ये वाला, ठीक है ना, ये ऑर्डर मैंने खरीद लिया पहले से और डिलीवरी भी है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है शिफ्ट, अब ये देखो ये नंबर लिखा है 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिखा ईकॉम एक्सप्रेस, मतलब ये ऑर्डर जो है ये ईकॉम एक्सप्रेस से आया है मेरा ऑर्डर, ये ट्रैकिंग आईडी नंबर, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूँगा कि इस ईकॉम एक्सप्रेस वाले को आपको कॉल कर रहा है, ठीक है ना। कॉल कैसे करोगे, आप लोग गूगल पर जाइए, ईकॉम एक्सप्रेस लिखिए, आपको इसका कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा आसानी से, और उनको कॉल कीजिए, अपना ट्रैकिंग आईडी बताइए, इसके बाद वो आपको बता देंगे कि अभी करंटली में आपका ऑर्डर कहाँ पर है और कितना समय और लग जाएगा। तो इससे आपको मतलब एक एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा कि देखो हमारा ऑर्डर अभी 2 दिन बाद मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर कब मिलने वाला है। तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है ना। और भाई नेक्स्ट टाइम से करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जैसे भाई देखो मैंने ये वाला ऑर्डर किया, ठीक है ना, फिर से मैं इस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ और इस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद देखो ये ऑर्डर भाई नीचे आते भाई यहाँ पर देखो लिखा है ट्रस्ट। ये जो भाई मीशो का जो ट्रस्ट लिखा है 4 पॉइंट की रेटिंग है भाई, मतलब ये कि जो सेलर होता है ना, सेलर देखो सेलर जो है वो ट्रस्टेड सेलर है, मतलब सेलर अच्छा, मतलब दुकानदार सही है आदमी, ठीक है ना। अब जब दुकानदार सही है, सेलर अच्छा है, तो मतलब ऑर्डर जल्दी पहुँचाएगा आपका, ये 100% है, ठीक है ना। क्योंकि अगर सेलर अच्छा होता है तो काम सही करता है वो, ठीक है ना। तो सही सेलर से सामान खरीदें और ट्रस्ट जहाँ लिखा रहता है उससे खरीदें ताकि ऑर्डर आपका जल्दी आएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सेलर होते हैं, ठीक है ना, नए सेलर नहीं है। सो आई होप आपको समझ चुके हो कि यार आपका ऑर्डर डिले क्यों होता है और डिले हो रहा है तो क्या करना है, ठीक है ना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।